भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने भारत को गुलामी से आजाद करवाया, लेकिन स्वच्छ भारत का उनका सपना पूरा नहीं हो पाया। उसी सपने को साकार करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की उद्घोषणा की तथा भारत को स्वच्छता की ओर अग्रसर करने के लिए पहला कदम रखा। यह एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य भारत में सड़कों, गलियों तथा अधोसंरचनाओं को साफ और सुथरा बनाना है। ये सभी जानकारियां होना अच्छा है, लेकिन सिर्फ जानकारियां होना ही पर्याप्त नहीं। कहने का अर्थ है, स्वच्छता को जब तक हम अपने व्यवहार में नहीं उतारेंगे, स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक इन बातों का कोई अर्थ नहीं होगा। हमें जागरूकता के प्रति सचेत होना होगा तथा लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। अक्सर हम एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए दिखते हैं या फिर ये कहते हुए दिखते हैं कि सरकारें कुछ करती ही नहीं या फिर सरकारों ने कुछ किया ही नहीं है। तो इस पर मैं कहना चाहूंगी, सरकारों ने तो कहा है कि कचरा मेरे और हर एक कचरा पात्र में डालें, लेकिन आज भी सड़कों पर या फिर गलियों में जगह जगह कचरों के ढेर दिखाई देते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं कमी तो हमारी ही है। हमें इन सब बातों से ऊपर उठकर एकजुट होकर अपने निजी और सार्वजनिक सहयोग से भारत में देखे गए स्वच्छता के सपने को साकार बनाने के लिए कार्य करना होगा, जिससे हमारे लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और बेहतर कल का निर्माण हो सके। एक मानसिकता और बन चुकी है, अगर आप किसी से कहें कि आप ऐसे खुले में कचरा मत फेंको या फिर आप डस्टबिन में कचरा फेंको, तो वो जवाब देते हैं कि यहाँ पे सभी ने ऐसे ही डाला हुआ है और मेरे डालने से या फिर मेरे करने से क्या होगा। तो मुझे लगता है कि हमें अपनी मानसिकता थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए और अब से हमें ये कहना चाहिए कि मेरे करने से ही होगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति ऐसा सोचे, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाए, तो स्वच्छता के इस सपने को जमीनी हकीकत बनने में वक्त ही नहीं लगेगा। हमें स्वच्छता को एक बोझ के रूप में ना लेकर अपने कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए तथा आज ही से हमें ये संकल्प करना चाहिए कि हम अपनी गली, मोहल्ले, गांव से लेकर भारत के कोने कोने तक स्वच्छता फैलाएंगे। अगर आज हमने इन सब बातों को हल्के में लिया, तो आगे आने वाला कल बहुत ही ज्यादा कष्टदायक होगा। युवा जागृति संस्थान शुरू से ही सामाजिक उत्थान के प्रति कर्मशील तथा सजग रहा है तथा इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज मैंने भी अपना थोड़ा सा प्रयास करने का प्रयास किया है तथा इसी के साथ अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए ये कहना चाहूंगी, क्यों ना इस सपने को हकीकत बनाएं, क्यों ना इस सपने को हकीकत बनाएं, चलो एक कदम स्वच्छता की ओर बढ़ाएं। धन्यवाद।